थाना रसूलपुर पुलिस ने एक ऐसे साथी अपराधी को गिरफ्तार किया है जो कि अफीम और चरस की बिक्री में संलिप्त था। पुलिस ने 600 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फैजाबाद थाना रसूलपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 600 ग्राम अफीम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद की है। पुलिस टीम को SSP ने इनाम देने की बात कही है, 5000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की बात कही है। पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त जो कि अफीम के अवैध कारोबार की तस्करी करता था और पिछले कई दिनों से पुलिस को बराबर सूचना मिल रही थी और इसी दौरान पुलिस ने मुखबर की सूचना पर अभियुक्त बीरेन सिंह को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 600 ग्राम अफीम और जो कि मैनपुरी से खरीद कर ला रहा था बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है इसके अन्य साथियों को भी पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। आप लोगों को मालूम है कि जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सट्टा चरस अफीम गांज गांजा भांग आदि अवैध तरीके से जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। पहले भी 3 किलो अफीम और 250 ग्राम फिर ये 600 ग्राम और इसी तरह से और NDPS में तमाम बरामदगी हुई है और अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल गए हैं। उसी कड़ी में थाना रसूलपुर के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया है। एक अफीम तस्कर से करीब 600 ग्राम अफीम प्योर अफीम है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 18 लाख रुपए बनती है, उसको गिरफ्तार किया गया है कल शाम को। उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जिससे वो लेकर के आया था मैनपुरी का एक संबंधित व्यक्ति है, उसका नाम का खुलासा हम नहीं करेंगे और उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और ये जिसके माध्यम से यहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था उनके भी नाम हमारे पास आ गए हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर ये क्या तस्करी का काम चल रहा है? नहीं, अभी ये शुरुआत है, पहली दफ़ा ही इसको पुलिस ने कैच कर लिया है और SSP महोदय द्वारा संबंधित पुलिस टीम को 2500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।